होली में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कैंसिल हुए हैं। ये 26 फरवरी तक होने थे और ये नेशनल विंटर गेम्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स में प्रतिभाग करने गुलमर्ग गए। चमोली के सचिव संतोष सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बर्फ की कमी के चलते फिर से नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी छिन गई है, जिससे स्कीइंग प्रेमी सहित गुलमर्ग से 8 मेडल जीतकर जोशीमठ लौट रही उत्तराखंड की स्कीइंग टीम भी आहत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर स्नोकर्न मशीनों को हटाकर नया स्नो मैकिंग सिस्टम लगाने की बात कही है, ताकि हम प्राकृतिक बर्फबारी पर निर्भर न रहकर कृत्रिम बर्फ बनाकर भी विंटर गेम्स का आयोजन करा सकें। नेशनल चैंपियनशिप की और फिर रिस्क का कैंसिल होना हिम क्रीडा स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए आने वाले समय में नुकसानदेह साबित हो सकता है। ओली की रिपोर्ट, नीरज कंडारी। प्रस्तावित नेशनल विंटर गेम्स जो 23-26 होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं, और जो मेन वजह रही है वो लैक ऑफ स्नो रहा है। बर्फ की कमी की वजह से राष्ट्रीय शीतकालीन जो प्रतियोगिता होली की और ही में वो स्थगित कर दी गई है, और ये एथलीट के लिए नहीं, ये हमारे स्टेट के लिए है। और आज जो बच्चों ने एक प्रतिष्ठा होती है नेशनल गेम्स के इवेंट की, वो भी उसके प्रति भी काफ़ी लोगों पर असर पड़ा हुआ है, थोड़ा पर असर पड़ा हुआ है।